सैमसंग गैलेक्सी S22 और S22 Plus जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं, डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस प्रोटेक्शन, 4nm प्लेटफॉर्म, फ्लेक्सिबल प्रोसेसर, ट्रिपल कैमरा सेटअप, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों, आज मैं गैलेक्सी S22 और S22 Plus का फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोनों फोन्स की डिस्प्ले की बात करते हैं। गैलेक्सी S22 में 6.1 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है और S22 Plus में 6.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। दोनों में डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले मिल जाती है, रिजोल्यूशन फुल HD प्लस मिल जाता है और यहाँ पे जो है सैमसंग की डिस्प्ले तो आपको पता ही है, सुपर होती है, बहुत ही डासू होती है और रिफ्रेश रेट करीब 120 हर्ट्ज की फास्ट मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, ब्राइटनेस लेवल 1750 निट्स तक मिल जाती है। इतनी ब्राइटनेस लेवल अब तक मैंने किसी भी फोन में नहीं देखी है। और यहाँ पे डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन मिल जाता है, यानी फोन बिल्ट में तो सॉलिड है और फ्रेम भी एरोस्पेस मेटल से बनी है। फोन का जो बैक है यहाँ पे फ्लैट मिल जाता है, यानी डिज़ाइन सिंगलेस मिल जाएगी फोन में। कैमरा मॉड्यूल आपको S21 सीरीज जैसा ही देखने को मिलेगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जो लेफ्ट साइड बेंड दिया गया है और कैमरा में प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है। सेकेंडरी 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है जो 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है और जो थर्ड है वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है। और इस बार कैमरा डिपार्टमेंट में वीडियो स्टेबिलिटी के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। अगर प्रीडिसीजर के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे 58% ज्यादा वीडियो स्टेबल मिल जाएगा, यानी आप टेलीफोटो कैमरा से भी जूम करके भी वीडियो शूट कर सकते हैं, वीडियो आपको स्टेबल ही मिलेगा। ऑल ओवर कैमरा में सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है और वीडियो और फोटोज आप सुपर HDR मोड में भी शूट कर सकते हैं। जैसे कि आप डायरेक्ट सनलाइट में फोटोज लेते हैं तो फोटोज क्लियर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सुपर HDR मोड से फोटोज काफी क्लियर मिल जाएगा, यानी यहाँ पे सॉफ्टवेयर को बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है। साथ में फोन में 8K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छी बात है। सैमसंग गैलेक्सी S22 और S22 Plus की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया में शायद स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर मिलेगा या तो फिर Exynos 2200 प्रोसेसर मिल सकता है, लेकिन इस बार स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर के ज्यादा चांसेस है। तो आपको पता ही है, इस साल का फ्लेक्सिप प्रोसेसर है जो 4nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। फोन में रैम 8GB तक मिल जाती है, यहाँ पे 12GB का ऑप्शन नहीं मिलेगा और मेमोरी फ्यूजन के जरिए आप रैम को एक्सपांड भी कर सकते हैं। और स्टोरेज की बात करें तो अप टू 256GB तक स्टोरेज भी मिल जाएगी जो UFS 3.1 स्टोरेज होगी और जो रैम है वो भी LPDDR5 मिल जाएगी। और फोन में एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो 5G कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, वो भी बहुत सारे बैंड्स के साथ। Wi-Fi 6 की कनेक्टिविटी मिलेगी, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है और फोन में IP68 रेटिंग भी मिल जाता है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है, यानी ये सभी फीचर्स फोन को एक फ्लेक्सिबल फोन बनाता है। फोन में OS की बात करें तो One UI 4.1 पे चलता है जो बना है Android 12 के ऊपर। और दोस्तों, सैमसंग के फोन में बहुत ही अच्छी बात है, 4 साल तक आपको अपडेट मिलता रहेगा, यानी अभी एंड्रॉइड 12 मिला है तो एंड्रॉइड 16 तक अपडेट मिल सकता है जो बहुत ही अच्छी बात है। गैलेक्सी S22 की बैटरी की बात करें तो 3700 mAh की बैटरी मिल जाती है, यानी ये मुझे थोड़ी कम लगी, एटलीस्ट 4000 mAh की बैटरी देनी चाहिए थी। S22 Plus में बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए 45W का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, अलग से लेना पड़ेगा, जिसकी जो प्राइस है वो करीब $35 से $40 रखी गई है। और फोन में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी आप बर्ड्स भी चार्ज कर सकते हैं अगर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। फोन में बहुत सारे कलर्स भी मिल जाते हैं। और प्राइस की बात करें तो गैलेक्सी S22 की जो प्राइस है वो $799 से शुरू होती है और S22 Plus की जो प्राइस है वो करीब $999 से शुरू होती है। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो करीब 60,000 and 75,000 तक होती है। और जो इंडिया की प्राइस है वो अभी कंफर्म्ड नहीं है, जैसे ही कंफर्म होती है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी इंडिया की प्राइस। दोस्तों, आपको कैसा लगा S22 और S22 Plus, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट फोन के अनबॉक्सिंग सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिवअवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।